नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट होंगे और अगर ये आपके एग्जाम में आते हैं तो आप 100% इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो को इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो अद्वैत वेदांत के प्रेरणा स्रोत आदि शंकराचार्य थे। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अद्वैत वेदांत का अर्थ क्या होता है? तो अद्वैत वेदांत का अर्थ होता है स्वयं और ब्रह्मांड को एक मानने की धारणा ही अद्वैत वेदांत कहती है। यानी कि अगर हम एक हैं तो हमारा ब्रह्मांड भी एक है, इसी धारणा को अद्वैत वेदांत कहते हैं। ठीक है, वहीं आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ आता है? तो हमने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता देते हैं कि आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी पूर्व हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई 820 ईस्वी पूर्व, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया है और इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया। ठीक है, रामानंद द्वारा जो भक्ति आंदोलन था उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं भारत में भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में हुआ? तो भारत में भक्ति आंदोलन 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, वहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो अलवार नायनार संतों ने की थी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, समझ आया है तो लाइक कर देना। चलिए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य व अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध था वो भी अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं दूसरा भी वो विक्रमादित्य के बीच हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है, सबसे पहले सिक्कों की प्राप्ति किस काल में हुई? तो सबसे पहले सिक्कों की प्राप्ति ऑप्शन बी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके अलावा क्वेश्चन बताया, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, सन 1601 में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अकबर द्वारा सन 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अकबर मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। इससे पहले बाबर और हुमायूं मुगल साम्राज्य में राज कर चुके थे। ठीक है, वहीं महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? तो महाभारत का फारसी अनुवाद भी अकबर के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हुए हमारे पांच प्रश्न। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न हमारा कहता है, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, जो अशोक था वो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, वहीं इस पर प्रश्न बनता है, सम्राट अशोक कब शासक बना? तो सम्राट अशोक 304 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा था। ठीक है दोस्तों, वहीं मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक भी सम्राट अशोक ही था। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अपने सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न हमारा कहता है, 1448 में चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी राणा कुंभा द्वारा। राणा कुंभा द्वारा 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं राणा कुंभा का जन्म कब हुआ? तो राणा कुंभा का जन्म हुआ था 1403 ईस्वी में। ठीक है, राणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था। वहीं राणा कुंभा किस सल्तनत के राजा थे? तो राणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे हो गए सात प्रश्न।
दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा अंतिम प्रश्न कहता है, सूफी संतों से शिक्षा पाने वाले क्या कहलाते थे? तो दोस्तों सूफी संतों से जो शिक्षा लेते थे वो मुरीद कहलाते थे, ठीक है, सूफी संतों से शिक्षा लेने वाले मुरीद कहलाते थे। वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सूफी संत कहाँ के निवासी थे? तो सूफी संत संजक आधुनिक ईरान के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। वहीं सूफी संतों की भाषा क्या थी? तो सूफी संतों की भाषा अरबी व फारसी थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।